एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ एक सरकारी संस्थान की दयनीय अवस्था देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं अपर बागडोगरा पंचायत क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस की। इस क्षेत्र में दुकान हाट लगती है और इससे सटे ही पोस्ट ऑफिस की दीवार तो है मगर टूटी हुई है, जिससे बाजार के दुकान हाट के जितने भी कचरा पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में फेंका जाता है, जिससे इस सरकारी संस्थान में गंदगी फैली हुई है। और जानकारी अनुसार पोस्ट ऑफिस के इस क्षेत्र में संध्या होते ही नशा और जुए का अड्डा में तब्दील हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए आज विधायक आनंदमय बर्मन द्वारा भ्रमण करने आए अपर बागडोगरा पंचायत क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस में कचरा जमने को लेकर उक्त क्षेत्र का दौरा माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन द्वारा किया गया। ये तो मुझे भी देख के आश्चर्य लगा कि एक सरकारी प्रतिष्ठान है, इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस है बागडोगरा का, और वहाँ बाउंड्री भी तोड़ा हुआ है और लोग यहाँ कचरा का डब्बा बना के रखा है। पोस्टमास्टर है नहीं तो रहता तो मैं बोलता हूँ उनको कि आप इसके लिए कुछ तो कुछ कार्रवाई कीजिए कि अपना बाउंड्री पहले ठीक कीजिए, उसके बाद ये जो कचरा जो है कचरा यहाँ से हटने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे तो ये पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस ही बंद हो जाएगा, कचरा का डिब्बा बन जाएगा। इसलिए आज है नहीं, लेकिन मैं बाद में उनसे मिलूँगा और ये जल्दी से वो कोई कार्रवाई करे और ये जगह भी ठीक रहे। ऐसा भी सुन रहा हूँ कि इधर शाम के समय में पूरा लड़का लोग आके नशा का अड्डा भी बना रखा है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलूँगा और पुलिस प्रशासन से मिल के मैं फ़ोन पर भी बात करूँगा एक बार कि इसको जो है आप थोड़ा ठीक ठाक रखिए, क्योंकि सरकारी प्रतिष्ठान है उसको सरकारी हिसाब से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी कर दे और कोई देखने का है नहीं, ऐसा नहीं हो। और सिलीगुड़ी में लोग को पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी एक बार बात करेंगे, ठीक है ना, कि आपका साफ पोस्ट ऑफिस इस हालत में है, आप लोग थोड़ा कार्रवाई कीजिए, खोज लीजिए, ठीक है ना।